नमस्कार दोस्तों। इजराइल युद्ध तो झेल ही रहा था, लेकिन अब ऊपर वाले का कहर भी झेलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, लगातार इजराइल पर अटैक हिजबुल्ला के जरिए किया जा रहा था और इजराइल ने जो गजा के साथ किया है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब इजराइल पर जो कुदरत का कहर बरपा है, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है। ऊपर वाले के इंसाफ में भले ही थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन इंसाफ मिलकर रहता है। ठीक ऐसा ही इजराइल के साथ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अब इजराइल में जो हुआ है उसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी और इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि इजराइल में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि इजराइल में बाढ़ का कहर बरप गया है। आज तक इतने दिनों से, इतने सालों से मैं आपको खबरें सुना रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन आज तक इजराइल में ऐसा कोई कहर का जो है खबर सामने नहीं आया। बारिश से जो है हाल बेहाल इजराइल का नहीं हुआ है, लेकिन इस बार इजराइल में बारिश से हाल बेहाल हो गया है। टाइम्स नाउ अब भारत के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल में बारिश से हाल बेहाल, बुरी हालत में इजराइल है। जी हाँ, इजराइल में जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है वो बुरे हालत में है और उनकी हर जगह पर पानी भराया है, सड़कों पर पानी भराया है, गाड़ियां ऊपर तैरने लग गई है। ये हाल इस वक्त इजराइल का हो चुका है। कहा जा रहा है कि ऊपर वाले ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत जो है वो दिखा दी है। जिस तरीके से इजराइल मजलूमों पर हमला कर रहा था गजा के अंदर, उसका तस्वीर अब इजराइल के अंदर नज़र आ रहा है कि कैसे बाढ़ इजराइल के अंदर आ चुका है। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, परेशानियां देखनी पड़ रही है। ऐसी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि देखिए इजराइल पर जो है किस तरीके से जो ऊपर वाले का कहर अजाब नाजिल हुआ है, जिससे हर तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। आगे आपको कुछ और जानकारी साझा कर दूं कि इजराइल में इस वक्त क्या हुआ है। इजराइल में एकाएक फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गया है, जहां पर कई घर, कई जो है हाउसेस इजराइल के पूरी तरीके से डूब गए हैं। लोग जो है भागते हुए नज़र आ रहे हैं निकल कर पानी से। ये सस्पेस न्यूज़ के हवाले से खबर है। उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा की है कि बाढ़ ने पूरे इजराइल में त्राही त्राही ला दिया है, पानी हर जगह पर भर गया है और इसी वजह से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी जान बचा सके। इसलिए इजराइल के नागरिक इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। वैसे इजराइल के नागरिकों की तो कोई गलती है नहीं, इजराइल के हुक्मरान यानी कि इजराइल की जो सरकार है उन्होंने जो डिसीज़न लिया है उससे वहाँ के नागरिकों को जो तकलीफ़ हो रही है, वहाँ के नागरिक भी लगातार अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों एक और खबर आ रही है साइलेंस्ड पेज से, उन्होंने लिखा है कि इसे दर्ज कर लीजिए, ये इतिहास का सबसे जो है बुरा चीज़ इजराइल के साथ हुआ है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल को पूरी तरीके से जला दिया है। यदि सभी अरब सेनाएं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ एकजुट हो जाएं तो वो ऐसा करने का साहस कभी नहीं कर पाते, लेकिन हमास हिजबुल्ला के कमांडरों ने अपनी साहस, अपनी ताकत का जो नतीजा है, जो अंजाम है, वो करके दिखाया है और यही वजह है कि आज हिजबुल्ला इसराइल जैसे शहर से टक्कर लेता हुआ नज़र आ रहा है। हर एक चीज़ कम होने के बावजूद भी हिजबुल्ला के कमांडर जो हैं वो इसराइल से टक्कर ले रहे हैं। देखिए ईरान सस्पेक्टेड पे से खबर शेयर की गई और कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ हालिया प्रतिबंध और शत्रुता का जवाब दिया गया था, जिसको लेकर अब ईरान ने भी यूरेनियम की जगह जो है यूरेनियम जो है उससे अपनी तमाम जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए एक और यूज़र हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है ईरान ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान बम ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन
बंद करने पर सहमत हो गया है। ये ईरान की तरफ से जो है निर्णय लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा जा रहा है खबर कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से जो है कई बड़े अहम फैसले ले लिए गए हैं, और इस फैसले में 24 घंटे में परमाणु हथियार रूस की चेतावनी के बाद ईरान का चौंकाने वाला ऐलान हुआ है। जी हाँ, रूस ने इसराइल को, यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि अगर वो हमला तेज़ करेगा तो वो भी अपने परमाणु बम को सीधे तौर पर निकाल कर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो ये सब कुछ जो है इस वक्त इसराइल में देखने सुनने को मिल रहा है। एक तरफ परमाणु बम का ख़तरा, दूसरी तरफ बाढ़ से इसराइल के नागरिकों को ख़तरा होता हुआ नज़र आ रहा है। हर तरफ की जो तस्वीरें हैं वो बेहद डरा देने वाली है, जहां पर लोग डरे हुए हैं। पहले तो बंकर में छुप रहे थे, लेकिन अब पानी की वजह से इन लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।